और बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश से आ रही खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली और आज अब्बास अंसारी को रिहाई मिल सकती है। मुख्तार अंसारी के दो रिश्तेदारों को भी जमानत दे दी गई है। ईडी से जुड़े मामले में जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में हालांकि लंबित है। तो हाई कोर्ट से विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को राहत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ शर्जील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने पर सस्पेंस है। दरअसल ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा और शर्जील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, जबकि आतिफ रजा लखनऊ की जेल में बंद है। तो मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक, बाहुबली नेता, कई पार्टियों से चुनाव लड़ने वाला, माफिया कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बेटा जो कोर्ट के आदेश के बाद जेल में अभी है, अभी जमानत अर्जी जिसकी लगातार पेंडिंग थी उसे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन ईडी के एक मामले में उसकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।